भारतीय तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो पद्मश्री सम्मान पाकर बेहद खुश हैं। उन्होंने इसके लिए अपने पिता और शहरवासियों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ इतना आसान नहीं था, जीवन के संघर्षों का प्रतिफल मिला है, इससे वे काफी खुशी महसूस कर रही हैं। अच्छा लग रहा है, मतलब सोचे नहीं थे कि मुझे इस अवार्ड से, मतलब गवर्नमेंट का अवार्ड मुझे मिलेगा। एंड सभी का थैंक यू, मतलब सपोर्ट हुआ तो ये अचीव हुआ। एंड सबका साथ था, सबका आशीर्वाद था, सबका गुड विशेस था, तभी जाके हुआ। एंड थैंक यू, इतने बड़े अचीवमेंट का तो मैं कभी विश्वास ही नहीं किए थे। सभी को थैंक यू, सभी को, मम्मी पापा रहते तो अच्छा लगता बहुत उनको कि आज मैं इस जगह पहुँची हूँ, उनकी वजह से पहुँची हूँ। उन लोग बहुत सपोर्टिव थे, पापा कभी हमको किसी काम के नहीं रुके थे। उस टाइम में भी इतने पैसे लगते थे तो भी कुछ नहीं बोलते थे, जबकि हम लोग 5 भाई बहन हैं, कभी हमको रोक टोक किसी चीज़ में नहीं किया। तो यही आजकल के बच्चों का भी यही है कि आप अगर अच्छे सही रास्ते पे जाओगे तो आपके मम्मी पापा कभी नहीं रुकेंगे। आप मम्मी पापा को भरोसा जीत पाओगे तो तभी सब कुछ कर पाओगे। मम्मी पापा को सब चीज़ हम बताते थे, सब चीज़, कहीं क्या करना है, कहाँ जा रहे हैं, सब। ये नहीं कि लड़की है, उस जमाने में मेरे, मतलब उस बिरसा नगर से लड़की को निकलना बहुत ही है, तो मेरे पापा कभी नहीं रुके। हम साइकिल से बर्मा में जाते थे, शाम हो जाती थी आते आते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सपोर्ट है, तभी जाके हैं। कभी रोक टोक नहीं कि नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए सब मिलते हैं। बच्चे मेरे छोटे थे, मेरे को याद है मेरे बच्चे जब 7 महीना का था, मैं छोड़ के लंदन चली गई थी मेरे बेटे को, तो उन लोग भी स्ट्रगल किए मेरे साथ साथ, क्योंकि उन लोगों को मम्मी बिना, आप जानते ही हैं बच्चे को कितना प्रॉब्लम होता है स्कूल जाना, तैयार होना, तो उन लोग भी मेरे साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों का भी इसमें हाथ है। मेरे हस्बैंड का तो है ही, क्योंकि वो परमिशन दिए सब ग्राउंड जाने के लिए। जब भी देखे हम ग्राउंड में मिलते हैं, आप लोग देखे अभी भी मैं ग्राउंड से ही आई हूँ, फिर मुझे 2:30 बजे ग्राउंड जाना है, तो मैं ग्राउंड में रहती हूँ, तो उन लोगों को कुछ नहीं, आप अपना काम कीजिए, तो उन लोग लगे रहने दिए, तब जाके यहाँ तक पहुँच पाए। बता दें कि पूर्णिमा महतो को इससे पूर्व द्रोणाचार्य सहित कई अन्य अवार्ड मिल चुके हैं। इनके निर्देशन में भारतीय आर्चरी कई कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। इनसे कोचिंग प्राप्त करने वाली दीपिका कुमारी सहित कई तीरंदाज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। शाश्वत तीर्थ समेत शिखर जी की वरदानी छांव तले मधुबन में परम पूज्य शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रणेता मुनिश्री 108 परमार सागर जी की पावन प्रेरणा एवं परिकल्पना के अनुसार निर्मित किया जा रहा है एक अद्वितीय एवं अद्भुत मंदिर गुणायतन। पंचायतन शैली में बने इस कलात्मक मंदिर के अनोखे अनुभव केंद्र में नवीनतम तकनीक 4DX एवं 11D इफेक्ट्स के साथ 270 डिग्री स्क्रीन के माध्यम से कराया जाएगा आत्मा से परमात्मा का दिग्दर्शन। आप भी अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ पधारकर करें इस अद्भुत कार्य योजना का अवलोकन। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार।